नमस्कार दोस्तों, रेखाज किचन कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, जिसे खाने के बाद आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। तो देर ना करते हुए चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अप्पे बनाने के लिए हम एक बड़े बर्तन में 1 कप या 100 ग्राम सूजी लेंगे। इसमें डालेंगे 1 कप से थोड़ा कम या 70 ग्राम दही। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कम से कम 1 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। जब तक सूजी फूल रहा है तब तक एक पैन गरम करें और उसमें डालें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। अब इसमें डालें 1/2 चम्मच सरसों दाना और इन्हें फ्राई कर लें। इसमें डालें 1 चम्मच उड़द की दाल, थोड़े से करी पत्ते डाल लें, 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ डालकर इन्हें मिक्स कर लें। अब इसमें डालें 1/2 कप हरी मटर, 1/2 कप कॉर्न, 1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इन सब को भूनने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 कप बारीक कटा हुआ टमाटर। इसे अच्छे से चला लें। अब इसमें डालें स्वाद अनुसार नमक, मिक्स करें, 1/2 कप बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। जब सब्जियां आधी पक जाए तब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और मिक्सचर को ठंडा कर लें। बैटर सेट हो चुका है। अब इसमें सब्जियों को डाल लेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक अप्पे पैन गरम करें और उसमें थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल डाल लें। अब इसमें 1/1 चम्मच या जितना आए बैटर को डाल लें। बैटर डालने के बाद ढक कर इन्हें धीमी आंच पर कम से कम 10 मिनट तक पकाएं। दस मिनट बाद इन्हें पलट लें और ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डाल दें। अगर आपको लगे कि तेल की ज़रूरत नहीं है तो बिना तेल डाले भी आप इसे बना सकते हैं। इन्हें पलट के दूसरी तरफ भी धीमी आंच पे लगभग 10 मिनट तक पकाएं। टोटल 20 मिनट बाद आपके अप्पे बनकर तैयार हैं। आप इन सबको एक प्लेट में निकाल के रख लें। तो बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के बचे हुए अप्पे भी बनाकर तैयार कर लें। अगर आपके पास अप्पे पैन ना हो तो आप इस रेसिपी को इडली के सांचे में या फिर चटनी की कटोरियों में भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को मैंने नारियल की हरी चटनी के साथ परोसा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सूजी का इतना बेहतरीन नाश्ता बनकर तैयार है। ये बाहर से बिल्कुल कुरकुरी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें।